नमस्कार साथियों सी बी बी कलाई टी गुरु में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा आई के फॉर्म के बारे में कि 2024 में आई टी फॉर्म कब तक आ जाएगा और एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है सब कुछ जो है इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है चलिए शुरुआत करते हैं जो भी दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल प्रूफ के साथ मिलेगा तो यहाँ पर अगर बात करें दो हज़ार के, के दाखिला के बारे में तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है मैं दो हज़ार को बता रहा हूँ ठीक है दो के आधार पर है उसी के आधार पर दो में जो है आपका फॉर्म आ जाएगा ठीक है यहां पे देख लीजिए आठ जून से लेकर जो है इक्कीस जून तक आ मतलब जून में फॉर्म आ गया था ठीक है तो आपका ये मान चले कि जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा जैसे फॉर्म आएगा आपको अपडेट किया जाएगा अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की और क्या क्या इसमें प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखिए जो आपका आई में एडमिशन होगा वो आठवीं पास के आधार पे दसवीं पास के आधार पे बारहवीं पास के आधार पे होता है ठीक है यानी शैक्षिक जो योग्यता है वो आठवीं दसवीं और बारहवें के आधार पे आपको होता है यहाँ पर एडमिसन होगा लेकिन जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वो मेरिट देखिए यहाँ पे कहा गया कि आठवीं यदि आठवीं है दसवीं है बारहवीं में आपके जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसी अंक के जो है प्रतिशत के आधार पे जो है निकाला जाता है फिर उसके आधार पे मेरिट तैयार की जाती है जैसे मान लीजिए किसी का टेंथ में जो है सत्तर परसेंट है किसी का अस्सी परसेंट है तो जो भी परसेंटेज होगा उसी परसेंट के आधार पर आपके मेरिट बनेगी और फिर इसके बाद जो है आपका नाम आएगा जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें जितना बढ़िया नंबर जिसका होता है जैसे मान लीजिए किसी का जो है अस्सी परसेंट है किसी का नब्बे परसेंट है तो इन दोनों में सब सब सबसे पहले नाम किसका आएगा नब्बे परसेंट वाले का नाम आएगा तो जिनका परसेंटेज अच्छा होता है उनकी फ़र्स्ट लिस्ट में जिनका परसेंटेज थोड़ा कम होता है उनका सेकेंड में जिनका और कम होता है उनका जो है थर्ड लिस्ट में नाम आता है तो इस प्रकार से ये तो बात होगी प्रोसेस की ठीक है अब वही बात करें इसकी जो है फ़ीस वगैरह की तो देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो फीस में देखिए यस एस का पचास रुपया दिया गया है और जनरल ओबीसी का सौ रुपये यहाँ पर फ़ीस लगता है बाकी बात करते हैं इसके और गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए जैसे राजकीय औद्योगिक जो प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जैसे आई टी कहा जाता है साह शिक्षा में नहीं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कंबाइंड में तो देखिए ये डेढ़ सौ कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वहीं बात करें केवल महिलाओं के लिए तो छत्तीस कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं राज्य सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त सैनिक परिवार या फिर भवन औद्योगिक प्रशिक्षण में सात कॉलेज हैं और वहीं बात करें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने जो है प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलेज हैं और वहीं पे अगर बात करें प्राइवेट में केवल महिलाओं के लिए तो जो है दो कॉलेज केवल महिलाओं के लिए है प्राइवेट में कुल बात करें राजकीय और निजी जो है नहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट में तीन सौ तिरानवे कॉलेज जो है यहाँ पे दिया गया है और इसके बाद जो है आपको जो ट्रेड है उस ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड अच्छे होते हैं कौन कौन से जो है ट्रेड में एडमिशन लेना चाहिए उसके बारे में जो है बात करेंगे फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं जो है आपके स्कॉलरशिप के तो यहाँ पे देखिए एक वर्ष में जो है पास पास आउट के लिए जो है सात हज़ार सात सौ सत्तर रुपये जो है इन्हें वजीफा जो आपको दिया जाता है वो है इसके बाद जो है दो वर्षीय के लिए तो आठ हज़ार पचास रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है आईटीआई करने के बाद अगर जो है आप अग्निपथ में यानी अग्नि जो वीर है उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें जो है आपको छूट मिलता है जैसे देखिए आप टेन प्लस टू हैं तो आपको टेन प्लस टू के साथ आईटीआई किए हैं तो बीस अंक को मिलेगा आपको ठीक है और जो है बारह पास किए हैं ठीक है ठेके? और एक वर्षीय आई टी आई कोर्स किए हैं तो तीस अंक मिलेंगे और अगर आप बारह पास किए हैं दो वर्षीय कोर्स किए हैं तो चालीस अंक आपको यहाँ पर मिलता है तो आई टी आई करने का यहाँ पर अग्निवीर में आपको बेनिफिट मिल जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसको जरूर ध्यान रखें यहां पे देखिए अच्छा से दिया गया है कि जो है चार साल के अग्निवीर अवधि में जो है पहले साल तीस हजार रुपए दूसरे साल तैंतीस हजार रुपए तीसरे साल जो है छत्तीस हजार पाँच सौ रुपए और चौथे साल जो है चालीस हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है तो यहां पे जो आपका छूट दिया गया है वो आईटी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अग्निवीर में जो यहां पर फायदा मिलता है एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और यहाँ पे दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए देखिए लिखा गया है यहाँ पे दाखिले के लिए मेरिट के मेरिट में अंकों की समानता होने पर छात्र छात्राओं को व्यवसाय के न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जाएगी अगर जो है प्रथम निर्णायक में अगर देखा जाए तो इसमें जिस प्र, जिस प्रार्थी का गणित विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी दूसरा है कहा गया कि प्राथी का विज्ञान में अधिक नंबर है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी तीसरा है जिसका अंग्रेजी में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका मैथ में साइंस में अंग्रेजी में जो है नंबर अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा कैटगरी वाइज भी आरक्षण मिलता है यहाँ पे देख लीजिए जा, अनुसूचित जाति जो होते हैं उनके लिए बीस परसेंट का डिस्काउंट है यहाँ पे मतलब डिस्काउंट के तरह से जो आरक्षण दिया गया है जो पिछड़े वर्ग हैं सत्ताईस परसेंट का है और जो ई डब्ल्यू एस हैं दस परसेंट का है दिव्यांग जो है उनको चार परसेंट का यहाँ पर दिया गया है बाकी अलग अलग जो दिया गया है इनमें यह है पॉइंट तो ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो है ये आरक्षण की बात कही गई है एक बात ये भी ध्यान रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट जब आपका एडमिशन होगा तो आपको यहाँ पे कुछ फीस पे करने होंगे जैसे देखिए वन ईयर वन ईयर ट्रेड के लिए और टू ईयर ट्रेड के लिए तो यहाँ पे फीस डिपॉजिट करना है आपको एट टाइम एडमिशन तो एडमिशन के समय जो आपको फ़ीस लगेगा वो यहाँ पे दिया गया है देखिए ये फीस नॉन रिफंडेबल है ये वापस नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए पाँच हज़ार ईयर ट्रेड के लिए है जैसे इंजीनियर ट्रेड में अंतर बात करें ठीक है और इसके बाद जो है यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रांड टोटल जो हो दस हज़ार दो सौ पचास रुपये आपका लगेगा ठीक है और इसके बाद जो है अगर टू ईयर ट्रेड की बात करें तो पाँच हज़ार ये और फिर ये चीज जो आपका फीस ये लगता है उसके बाद ग्रांड टोटल बात करें दस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये फ़ीस आपका ये लगेगा ठीक है अगर बात करें वहीं नॉन इंजीनियरिंग में तो टोटल में नौ हज़ार पचास रुपये और यहाँ पे नौ हज़ार छः सौ पचहत्तर रुपये जो है इन नॉन मतलब कि टू ईयर में लगेगा ये तो बात होगी फ़ीस की ठीक है अगर बात करें यहाँ पे देखिए टोटल जो है फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर में यहाँ बात की छब्बीस हज़ार के लिए और जो नॉन इंजीनियरिंग है वो इक्कीस हज़ार दो सौ रुपये है तो ये भी तरह से देखा जाए ये भी एक तरह से फ़ीस जो है आपका यहाँ पे दिया गया है बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम शुल्क दिए गए हैं आप इसे एक बार देख लीजिए मैं जब आप फॉर्म आएगा तो मैं एक न्यू अपडेट आपके सामने और लेकर आऊँगा फिलहाल जो है आपके बातें ध्यान में रखना है कोई दिक्कत हो को तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग